आप कोई हिंट दे सकते हो कि गेम कब तक रिलीज होगा, मतलब कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऑफिशियली आई वुड से इन द सेकंड हाफ ऑफ द लाइक यू नो ऑफ 2023 विल कम आउट। कहां पर है हमारा इंडियन GTA मायानगरी? व्हेन मायानगरी एक ऐसा गेम था मतलब की है जो कि बाकी इंडियन गेम से अलग एक ओपन वर्ल्ड GTA वाला गेम है, ठीक है, वो भी हमारे स्मार्टफोन के लिए। और पर्सनली मायानगरी मेरा बहुत ही फेवरेट गेम भी है क्योंकि इसके अंदर हिंदी में मतलब की लैंग्वेज है गालियां नहीं, मतलब की गालियां भी है गेम के अंदर, वो बीप हो जाता है, बट हिंदी लैंग्वेज है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मारो साले को, फाड़ दूंगा तेरी। इसके लिए मुझे ये ओपन वर्ल्ड गेम मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट गेम है मायानगरी। देखो वैसे पिछले 6 महीने से मायानगरी गेम के बारे में कोई अपडेट या कोई भी न्यूज वो कहीं से भी नहीं आ रही है, इनएक्टिव है पूरी तरह से सोशल मीडिया पे मायानगरी की टीम। और गाइस लास्ट 6 महीने पहले मैंने इसका क्लोज बीटा भी प्ले किया था जिसका गेम प्ले ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख भी सकते हो। तो मतलब की कितना बढ़िया गेम था, कितना बढ़िया इसका गेम प्ले था, आप सब लोगों ने देखा हुआ है। और अगर नहीं देखा है तो लेकिन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद जाके देख लेना, ठीक है। वैसे अगर आप लोग मायानगरी गेम के बारे में जानते तो आपको पता होगा मायानगरी का जो रिलीज डेट का अनाउंसमेंट था ना, वो बेसिकली मतलब कि 2023 के एंडिंग तक का लास्ट डेट था। आप कोई हिंट दे सकते हो कि गेम कब तक रिलीज होगा, मतलब कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऑफिशियली आई वुड से इन द सेकंड हाफ ऑफ द लाइक यू नो ऑफ 2023 विल कम आउट। बट अभी कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, वो चल रहा है 2024, और अभी तक हमारे पास गेम का नामो निशान या कह सकते हो कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। जबकि ऑफिशियली उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे एक वीडियो अपलोडेड है जहाँ पे खुद उनके डेवलपर या कोई सकते हैं उनके जो भी टीम मेंबर है वो ऑफिशियली बोल रहे हैं कि मायानगरी गेम जो 2023 के एंडिंग तक रिलीज हो जाएगा, बट नहीं हुआ यार। तो वो क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो मायानगरी की टीम के ऑफिशियली कोई न्यूज के अपडेट तो नहीं आ रही है, गेम डिले क्यों हो रहा है या फिर लॉन्च अभी तक क्यों नहीं हुआ, बट जहां तक मुझे पता है इसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि बता रहा हूँ। देखो जितने भी गेम्स होते हैं ना, गेम डेवलपर्स या कह सकते हो जितने भी गेम डेवलपिंग होते हैं, वो सभी गेम्स कहीं ना कहीं मतलब कि कोई ना कोई इंजन पे बनते हैं, लेकिन लाइक अनरियल इंजन पे कोई गेम बनता है, कोई गेम यूनिटी इंजन पे बनता है, तो सेम इसी तरीके से मायानगरी जो गेम है ना वो भी एक तरीके से यूनिटी इंजन पे बन रहा है। और आपको शायद पता होगा बीच में एक न्यूज आई थी यूनिटी इंजन ने अपने जो पॉलिसीज वगैरह होते हैं ना उसमें कुछ चेंजेस किए हैं जिससे मतलब कि उनके प्राइजेस जो बहुत ही हाई हो गए हैं। और इसको लेकर मतलब कि मायानगरी की टीम ने एक ट्वीट भी किया था यूनिटी इंजन को, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, अगर मिलेगा तो यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे डालूंगा यहाँ पे आ रहा होगा, देखो आ रहा है ना, हाँ बस। तो मे बी इस वजह से हो सकता है उनका जो रिलीज डेट है वो बहुत ही डिले हो गया है। वैसे मैं 100% श्योर नहीं हूँ भाई, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली हमको उन लोगों ने नहीं बताया है, बस यही रीजन मेरे लिए लगता है, मतलब कि मोस्ट प्रॉपरली तो यही चांसेस है, यही रीजन की वजह से गेम डिले हो रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं गेम अब नहीं तो कब रिलीज होने वाला है, मतलब उसका रिलीज डेट तो चला गया, तो अब नेक्स्ट इसकी रिलीज डेट क्या होने वाली है मायानगरी गेम की। व्हेन गाइस इसको लेकर कुछ 100% कंफर्मेशन तो नहीं है गेम कब रिलीज होने वाला है, कब रिलीज होने वाला नहीं है, बट 80% ऑफ द चांसेस है कि 2024 में गेम रिलीज होगा। एंड अगर गाइस 2024 के एंडिंग तक अगर गेम रिलीज होता है तो बेसिकली गेम के लिए लाइक चैलेंजिंग बहुत ही बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2025 के स्टार्टिंग में ये कुछ शायद GTA 6 भी आने वाला है, तो मतलब कि ओपन वर्ल्ड कैटेगरी में बहुत ही कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। मुझे पता है GTA 6 PC का गेम है, ये एक मोबाइल का गेम है, दोनों में कॉम्पिटिशन नहीं होगा, बट तो भी थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा इसके पॉपुलरिटी पे। और गाइस अभी के टाइम पे आपको शायद पता होगा नेटफ्लिक्स भी बहुत सारे GTA के गेम्स के साथ कोलैबोरेशन करके जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर रहे हैं, तो मे बी उससे भी इफेक्ट पड़ सकता है मायानगरी गेम को, हमारे इंडियन GTA को। व्हेन गाइस यही रीजन की वजह से मायानगरी उसके लॉन्च डेट पे वो रिलीज नहीं हो पाई और इतना डिले हो रहा है मेरे ख्याल से तो, और मतलब कि मोस्ट ऑफ द लाइक यही रीजन हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, उनको इन गेम में कुछ प्रॉब्लम आई है, फिर ये यूनिटी इंजन का कुछ लोचा है, यही रीजन हो सकता है। तो बाय द वे गाइस इस वजह से मायानगरी अभी तक रिलीज नहीं हुआ और आने वाला है बहुत ही जल्द। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम।